आपके साथ शेफाली, बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर आपको बता दें बिल्डिंग हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है सामने। डोंगरी इलाके में ये जर्जर इमारत गिरी, इसमें 4 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। फिलहाल कुछ समय पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पर एक बच्चे को सही सलामत बचा लिया गया है, बाहर निकाला गया है, और अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है करीब 15 परिवार इस बिल्डिंग में रहते थे और उनके मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव का काम काफी समय से चल रहा है, यहाँ पर लोगों ने एक ह्यूमन चेन भी बना ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। 100 साल पुरानी इमारत ये बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि ये इमारत जर्जर थी, लेकिन इसे जर्जर इमारत की सूची में नहीं डाला गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मामले की जांच होगी और फिलहाल प्राथमिकता यही है कि लोगों को यहां से मलबे के नीचे से सही सलामत बाहर निकाला जाए, हादसे की जांच कराई जाएगी। फडणवीस का बड़ा बयान इस पर सामने आया है, 15 परिवारों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, अभी भी कई लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी 12 लोगों के जान जाने की यहां पर खबर मिल रही है। राहत और बचाव का काम करने के लिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और 100 साल पुरानी ये इमारत बताई जा रही है जहाँ पर करीब 15 परिवार रहते थे, और ये इमारत क्यों गिरी, क्यों इसके कंस्ट्रक्शन का काम, डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं किया गया, जबकि निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इसका फिर से निर्माण किया जाए, लेकिन क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुंबई में हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं जहां पर कभी कोई बिल्डिंग गिर जाती है, इमारत गिरने से कई लोगों की मौत की खबर आए दिन खबरों में आती है, लेकिन कोई भी इसकी सुध नहीं लेता और कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। जो जर्जर इमारत है उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आज भी बेहद खौफनाक, दर्दनाक ये खबर सामने आई, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी भीड़ यहाँ पर जुट गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम भी यहाँ पर मलबे से लोगों को निकालने का काम कर रही है। लोग भी ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर मलबा हटा रहे हैं, ईंट पत्थर जो इमारत से टूटकर गिरे हैं उन्हें हटा रहे हैं और लोगों को इसके नीचे से बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, 12 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में जर्जर हालत में बिल्डिंगें और आए दिन गिरती इमारतों ने मुंबई को हादसों की राजधानी बना दिया है। आज डोंगरी इलाके में एक ऐसा ही खौफनाक हादसा हुआ जहां एक इमारत के गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है, और अब भी कई जिंदगियां इमारत के मलबे में दबी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मुंबई में गली गली खड़े मौत के जिंदा कब्रिस्तान। डोंगरी इलाके में गिर गई 4 मंजिला इमारत। हादसे में मौत की शिकार हो गई जिंदगियां। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस हादसे का असली गुनहगार कौन है, इस हादसे के बाद अगला हादसा कहां होगा, ये कोई नहीं जानता। तो क्या मुंबई के जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरकर अगले हादसे का इंतजार करते रहेंगे, तो क्या इसी तरह लोगों के सिर पर मौत का मलबा गिरता रहेगा, तो क्या मुंबई के बाशिंदे इसी तरह अकाल मृत्यु के शिकार होते रहेंगे। ऐसे दर्जनों सवाल हैं जो मुंबई के बाशिंदे हर हादसे के बाद पूछते हैं, हर मौत के बाद ये सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इन सवालों और मौत के दर्द को कोई नहीं समझने वाला। हर साल मुंबई में ऐसी कई इमारतें धराशायी हो जाती हैं जो बारिश का शिकार बनती हैं, लेकिन ऐसी इमारतों को वक्त रहते क्यों नहीं तोड़ा जाता, ऐसी इमारतों की मरम्मत वक्त रहते क्यों नहीं कराई जाती, ऐसी इमारतें हटाने से क्यों डरती है बीएमसी। मुंबई के डोंगरी इलाके में हुए इस हादसे में एक मासूम जिंदगी की जंग जीत कर मौत के मलबे से बाहर निकली है। फिलहाल मासूम का इलाज जारी है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है, आखिर इस हादसे का गुनहगार कौन है।
मुंबई के डोंगरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 80 से 100 साल पुरानी इमारत भरभराकर एक खौफनाक धमाके के साथ यहां गिरी। डोंगरी इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ, करीब 12 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, जिसमें अभी फिलहाल जो अपडेट मिल रहा है बताया जा रहा है कि 12 लोगों के इसमें मौत हो गई है। हादसों का शिकार मुंबई हमेशा बनती रहती है और यहाँ पर आए दिन हमें इमारत गिरने की खबरें मिलती हैं। जर्जर इमारत बताई जा रही थी ये, और करीब 100 साल पुरानी ये इमारत है जो आज भरभराकर करीब दोपहर 12 बजे के करीब गिरी और 12 लोगों के इसमें जान जाने की खबर बताई जा रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, लोग भी मदद कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में ह्यूमन चेन बनाकर, और मलबा हटाया जा रहा है। फिलहाल करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं ये हादसा हुए और इसमें 12 लोगों के जान जाने की खबर बताई जा रही है। बताया जा रहा है 15 फैमिलीज यहाँ पर रहती थी और करीब 40 से 50 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो 12 लोगों को अपनी जान जाने से जान से यहाँ पर हाथ धोना पड़ा और एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से राहत का काम कर रही है, लेकिन सबकी सांसें इस बात पर थमी हैं कि मलबे में दबे कितने लोग जिंदगी और मौत की ये लड़ाई जीत पाएंगे। मौत के कब्रिस्तान में तब्दील हुई इस इमारत के मलबे में ना जाने कितनी सांसें दबी हैं। इस इमारत के मलबे में ना जाने कितनी जिंदगी दफन है, ना जाने कितनी लाशें ये मलबा उगलेगा, ना जाने ये हादसा क्यों हो गया, ना जाने ये हादसे कब तक होते रहेंगे, ना जाने ये सिलसिला कब थमेगा। जी हाँ, इस इमारत के मलबे में तड़प रही हैं कई जिंदगियां। इस हादसे ने एक बार फिर मुंबई को बना दिया है हादसों की राजधानी। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत क्या गिरी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, हर ओर चीख पुकार मच गई, हर ओर हाहाकार मच गया, जिंदगियों के दफन होने और उन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। देखिए इस मलबे से किस तरह इस मासूम को निकाला गया है। हादसे पर एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ राहत कार्यों में जुट गई है, लोग भी पूरी तरह से राहत कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सकरी गलियां होने के कारण यहां बचाव कार्यों में देर हो रही है। इमारत का करीब आधा हिस्सा ढह गया, जिसके नीचे लगभग 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। चश्मदीदों का कहना है इमारत गिरते समय एक तेज आवाज हुई, जिसके बाद आसपास का पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। मैंने ये देखा, मैं नाश्ता कर रहा था ना सुबह में, तो एकदम बारिश आई, बारिश आने के बाद है ना आदमी एकदम हवा आई, हवा आने के बाद है ना एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिर। अब जब मालूम पड़ा ना पब्लिक आवाज है ना, तो बोले बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भागे, हम लोग सब पूरा घर वर सब छोड़ के सब भागे बिल्डिंग देखने के लिए। आवाज बहुत एकदम बहुत भयंकर थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया एकदम, वैसी आवाज थी। हादसे के समय कुछ लोग इमारत के पीछे बनी दरगाह में नमाज अदा कर रहे थे। उनका कहना है ये इमारत 80 से 100 साल पुरानी है जो जर्जर हालत में थी। जब ये बिल्डिंग गिरी, मैं पीछे दरगाह है हाजी अब्दुलरहमान शाह बाबा की, मैं दरगाह में था तो एक आदमी भागते हुए आया कि बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भाग कर आए। और ये बिल्डिंग कम से कम 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी और ये कम से कम अभी तक 30-40 लोग का एक अंदाजा, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 30-40 लोग है अंदर। और मैं अभी तक मैंने देखा हो तो 2 बच्चे निकले हैं, एक बच्चा तो सेफ था जो स्टार्ट में निकला, उसके बाद एक बॉडी गई है, मतलब वो डेट हम बोल नहीं सकते उसको, लेकिन सीरियस थे, और 2 जेंट्स हैं और 2 बच्चे अभी तक निकले हैं। चश्मदीदों का क्या कहना है ये आपने सुना, आइए आपको सुनाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस मामले पर क्या कहना है। जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहां पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहां के बिल्डिंग के रहवासियों ने वाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहाँ पर एक विकासक को डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और
उसका उसके लिए उसको उनको परमिशन भी मिली थी, लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें अब जांच में सामने आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहाँ पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसके ऊपर सारा फोकस वहाँ पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीज़ें सामने आ जाए तो उसके बाद इसकी इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाए। पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा? देखिए अभी वो तो सरकार देती है, लेकिन अभी थोड़ा सा सारी चीज़ें सामने आने दीजिए, उसके बाद उसकी घोषणा होगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं डोंगरी इलाके की मुंबई से, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ करीब 2 घंटे पहले, और यहां पर अभी 12 लोगों के जान जाने की खबर मिल रही है। हादसों का शिकार एक बार फिर बनी माया नगरी मुंबई, और ये तस्वीरें आप देखें, राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है यहाँ पर स्थल पर, और लोग भी मदद कर रहे हैं राहत बचाव कार्य में। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, एक एक कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है 12 लोगों की इसमें अभी तक जान चली गई है। 4 मंजिला इमारत ही बताई जा रही थी, और ये बताया जा रहा है कि करीब 80 से 100 साल पुरानी ये इमारत है जो आज सुबह भरभराकर गिरी, और इसमें करीब 14 से 15 परिवार रहते थे। करीब 40 से 50 लोग अभी भी फंसे हुए हैं मलबे के नीचे, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आप, 4 मंजिला इमारत के गिरने से खौफ पैदा हो गया है मुंबईकरों में, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, और कई सवाल उठते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, और कार्रवाई होती है फिर कार्रवाई होती है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। जो जर्जर इमारतें हैं उनको सही नहीं किया जाता वक्त रहने पर। ऐसी अकाल मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और तीसरी तस्वीर में देखिए, इस नन्हे बच्चे को रेस्क्यू टीम ने सही सलामत इस मलबे के नीचे से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इसकी जान बच गई, सुरक्षित इसे बाहर निकाला गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक कुछ समय पहले की और बाकी लाइव तस्वीरें वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी देर से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो दर्जनों सवाल उठते हैं, हर साल ऐसा हादसा सामने आता है, हर महीने ऐसा सामने आता है हादसा। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई की ही खबर आपको बता दें कि एक बच्चा नाले के अंदर गिर गया था, उससे पहले अपने घर के सामने एक 18 साल का बच्चा नाले के अंदर गिर गया, और ऐसी तस्वीरें। जबकि मुंबई में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है, और गली गली में पानी भर जाता है बारिश आने से, तो जर्जर इमारतों का हाल और भी बुरा हो जाता है। लेकिन सिर्फ सामने आती है तो जांच, और फिर उसके बाद जितने भी सवाल खड़े होते हैं वो दब कर रह जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, सिर्फ मुआवजा थमा दिया जाता है मृतकों के परिवार वालों को। फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग हादसों की, जो मुंबई में इसी एक महीने के अंदर भर हुए हैं। भाई आपको सुनाते हैं इस हादसे पर क्या कहना है कांग्रेस और एनसीपी का। डोंगरी इलाका ऐसा है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे डोंगरी है, लालबाग है, परल है, ऐसे जो इलाके पुरानी जो मुंबई है, वो मुंबई में कई इमारतें ऐसी कि जो बहुत पुरानी है, और उन इमारतों का आयु कम हो गया है, तो इसके बारे में सोच विचार करके महापालिका और ये जो है हाउसिंग बोर्ड, उन्होंने उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, वो होता नहीं, और जिम्मेदार जो अधिकारी है उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती, तो ऐसा होता रहेगा, बेचारे लोग मरते रहेंगे। देखिए बड़ी दुख की बात है, दुखद घटना है, और इससे पहले भी हमने म्युनिसिपल कमिश्नर, माडा चीफ और चीफ मिनिस्टर, इन सब से ये आग्रह किया था, हाउस में भी ये सवाल उठाया था हमने कि वर्षा के समय किस तरह के हादसात होते हैं, दीवारें गिरती हैं, झाड़ गिरते हैं, बिल्डिंग गिरती है, और लोगों की मौतें होती है, पॉटहोल से मौतें होती है, इस पर कुछ किया जाए, मगर किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। मुझे लगता है मुख्यमंत्री कुछ और मौतों का इंतजार कर रहे हैं कि और 150 मौतें हो जाए फिर हम कोई काम करेंगे।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।